आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिना कोई एप्लीकेशन को डाउनलोड किए हुए आप अपने मोबाइल फ़ोन के कीबोर्ड में यहां पे फ़ोटो कैसे लगा सकते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं मेरे कीबोर्ड के अंदर कोई भी फ़ोटो नहीं लगा हुआ है और इस वीडियो को देखने के बाद आप बड़ी आसानी से यहाँ पर फ़ोटो लगा सकते हैं और आपके कीबोर्ड में भी यहाँ पर फ़ोटो लग जाएगा। हेलो दोस्तों, इन्फो हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ इसकी मदद से बिना कोई एप्लीकेशन को डाउनलोड किए हुए आप जो है अपने कीबोर्ड के अंदर फ़ोटो लगा सकते हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन के सेटिंग में आ जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा मोबाइल फ़ोन का सेटिंग है, सिंपली हम सेटिंग पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों जैसे आप सेटिंग में आ जाते हैं आपको नीचे के साइड में जाना है और दोस्तों यहाँ पर अगर आपके पास MI, पोको या फिर रेडमी का मोबाइल फ़ोन है तो सिंपली आपको एडिशनल सेटिंग के अंदर आपको लैंग्वेज एंड इनपुट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आपके पास कोई और कंपनी का मोबाइल फ़ोन है तो सिंपली आपको जो है लैंग्वेज एंड इनपुट ऊपर ही देखने को मिल जाएगा। आपको इसको ढूंढ लेना है और यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे आप आइएगा तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड नंबर पे लिखा हुआ है इनपुट मेथड और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैनेज कीवर्ड का एक ऑप्शन है। सिंपली हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आप जो भी कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर आपको वो वाला कीवर्ड पे क्लिक कर देना है। फिलहाल हम देख लेते हैं कौन सा कीवर्ड हमारा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी वर्ड है, तो सिंपली हम जी वर्ड पे ही क्लिक करेंगे। अगर आपके पास गूगल इंडिक कीवर्ड यहाँ पे शो कर रहा है तो आपको सिंपली गूगल इंडिक कीवर्ड पे ही क्लिक करना है। तो सिंपली हम जी वर्ड पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे तीसरा नंबर पे देखने को मिल रहा है थीम का ऑप्शन। सिंपली दोस्तों आपको थीम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आने के बाद नीचे के साइड में काफी सारा जो है थीम वॉलपेपर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे मुझे अपना खुद का फोटो लगाना है तो यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे हम क्लिक कर देंगे जिसके ऊपर लिखा हुआ है माई थीम। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका गैलरी खुल जाएगा और आप अपना गैलरी से कोई भी एक फोटो सिलेक्ट कर लीजिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं गैलरी का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम ये वाला फ़ोटो ले लेते हैं और फोटो को कुछ इस प्रकार से जो है हम यहाँ पे लगा लेते हैं। मान लीजिए मैंने फ़ोटो को कुछ इस प्रकार से लगा दिया। सिंपली हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोटो लग गया। अब यहाँ पे फ़ोटो का ब्राइटनेस आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। फ़ोटो का ब्राइटनेस ज़्यादा कीजिएगा तो आपका कीबोर्ड जो है नहीं दिखेगा, तो इसको यहाँ पर जो है नॉर्मल ही रहने दीजिए। हम यहाँ पर 70% पर रहने देते हैं। डन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो है एक और ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा की बॉर्डर का। यहाँ पर आपको इसको बंद कर देना है तो यहाँ पे आपका फोटो क्लियर दिखेगा। अब सिंपली आपको अप्लाई वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों फाइनली आपके कीबोर्ड के अंदर फोटो लग चुका है। चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ और दोस्तों नहीं लगा तो कैसे लगेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो यहाँ पे फिलहाल आप देख सकते हैं मेरे कीबोर्ड के अंदर फोटो लग गया और यहाँ पे जो है हम कुछ टाइपिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनली मेरे कीबोर्ड के अंदर फोटो लग गया। अगर आपके मोबाइल फोन में कुछ इस प्रकार से सेटिंग काम नहीं कर रहा है, थीम का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा। सिंपली आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पे आपको कुछ परमिशन को दे देना है कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों यहाँ पे आने के बाद आपको कीवर्ड पे क्लिक करना है, थीम पे क्लिक करना है, माई इमेज पे क्लिक करना है और फिर से दोस्तों आपको इसी प्रकार से ये वाला फोटो को जो है लगा लेना है और यहाँ पे सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। कीबोर्ड का ब्राइटनेस यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा कम या ज़्यादा, उसके बाद आपको डन वाला बटन पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों इतना करने से दोस्तों आपके जो है कीबोर्ड के अंदर 100% यहाँ पे जो है फोटो लग जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरे कीबोर्ड के अंदर फोटो लग गया। कुछ इस प्रकार से आप अपने कीबोर्ड के अंदर फोटो लगा सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जोर से बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।